हेलो दोस्तों, मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच एसएससी रेलवे एग्जाम स्पेशल एक जबरदस्त टॉपिक के साथ और प्रीवियस जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोग अपने इस क्लास में करेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक है स्टैटिक जीके में हम लोग जो है अपनी क्लास को करेंगे भैया। और टॉपिक जो है भाई फोर्ट्स इन इंडिया, भारत के जो है फोर्ट्स हो गए हैं, अलग अलग जो किले हैं अलग अलग राज्यों में, उनको हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं और देखेंगे यहाँ से एसएससी रेलवे ने अपने प्रीवियस एग्जाम में कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास को लास्ट तक देखेंगे तो आप सब जान भी जाएंगे यहाँ से कि भैया किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे आप सब उनको याद भी कर सकते हैं। देखिएगा, फर्स्ट वन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट्स विल यू फाइंड द बक्सा फोर्ट। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बक्सा किला स्थित है? सीजीएल का क्वेश्चन हो गया है। ओडिशा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और तमिलनाडु। बक्सा किला जो है यहाँ बक्सा टाइगर रिजर्व में है। ये बक्सा किला कहाँ पे है दोस्तों? तो ये बक्सा टाइगर रिजर्व में है। अगर ये भी आप सबसे पूछा जाए तो आप सब आंसर कर दीजिएगा कि किस भारतीय राज्य में है, तो आंसर होगा ये वेस्ट बंगाल में हो गया है। कहाँ का है भैया ये फोर्ट? तो ये आप सब ध्यान रखेंगे वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल में ही अगर आप सबसे पूछा जाए फोर्ट विलियम अगर पूछा जाए तो क्या आंसर करेंगे? ये भी कहाँ पे हो गया है? वेस्ट बंगाल में हो गया फोर्ट विलियम्स भी। ब्लैक होल ट्रेजेडी के लिए हम लोग फेमस पढ़ के आते हैं, ये कलकत्ता में स्थित हो गया है। फोर्ट विलियम्स, बक्सा, दोनों के लिए भारतीय राज्य तमिलनाडु में है, सॉरी वेस्ट बंगाल में है। तमिलनाडु से याद रख लीजिएगा वेल्लोर का किला। अगर आपसे पूछे वेल्लोर किला किस राज्य में है तो आंसर कर दीजिएगा ये तमिलनाडु में है। अगर आप सबसे पूछे जिंजी किला ये किस भारतीय राज्य में है, तो आंसर होगा ये भी तमिलनाडु राज्य में है। और अगर पूछे मोनेरो किला, मोनेरो फोर्ट, तो ये भी किस राज्य में है, ये तमिलनाडु में। जिंजी से एक चीज याद रखिएगा, अगर आप सबसे पूछा जाए जंजीरा फोर्ट ये किस भारतीय राज्य में, देखो एक जिंजी है और एक जंजीरा है। अब जंजीरा कहाँ पे है थोड़ा और आगे बढ़ा लेते हैं। अगर आप सबसे पूछा जाए पन्हाड़ा का किला, अगर आप सबसे पूछा जाए शिवनेरी दुर्ग जहां पर शिवाजी महाराज का जन्म होता है, जिसको सबसे पहले 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने कैप्चर कर लिया था, तोरण का किला। जंजीरा, पन्हाड़ा, शिवनेरी, तोरण और दौलताबाद, तो ये किस भारतीय राज्य के स्थित है फोर्ट? तो आप सब आंसर करिएगा ये भारतीय राज्य महाराष्ट्र में हो गए हैं। कहाँ से ध्यान रखोगे भाई? ये महाराष्ट्र के फोर्ट हैं, ठीक है। फोर्ट विलियम और बक्सा वेस्ट बंगाल, वेल्लोर, जिंजी और मोनरो फोर्ट ये तमिलनाडु में, जंजीरा, पन्हाड़ा, उसके बाद शिवनेरी, तोरण, दौलताबाद ये किस राज्य में है, तो आंसर होगा ये महाराष्ट्र में हो गए हैं। और कर्नाटक का याद रख लीजिएगा गुलबर्गा और चित्रदुर्ग, गुलबर्गा और चित्रदुर्ग अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये किस भारतीय राज्य में है, तो आंसर होगा कर्नाटक राज्य में। लास्ट तक हम लोग इतनी बार इन चीजों को रिपीट कर लेंगे कि आप देखिएगा आप सबको सारे याद भी हो जाएंगे और जितने फेमस जो फोर्ट हैं वो सब आप सब कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। ऑप्शन सी सही आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज द गुलबर्गा फोर्ट एंड चित्रदुर्ग फोर्ट सिचुएटेड। गुलबर्गा किला और चित्रदुर्ग किला भारत के किस राज्य में स्थित है? गुलबर्गा और चित्रदुर्ग फोर्ट कहाँ पे हैं? कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, असम और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो हम लोग पढ़ के आते आगरा का किला है ना, और अभी हम लोगों ने पढ़ा है गुलबर्गा और चित्रदुर्ग किस भारतीय राज्य में है, तो आंसर कर दीजिएगा ये भारतीय राज्य हो गया है कर्नाटक। हिमाचल प्रदेश का बहुत फेमस है कांगड़ा, है ना, कांगड़ा चाय भी आप सब पढ़ के आते हो, ये कांगड़ा आप सब हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, कांगड़ा हो गया है। उसके बाद नूरपुर ध्यान रखिएगा, हरिपुर हो गया है, नूरपुर, कांगड़ा, हरिपुर और सुजानपुर ये किस भारतीय राज्य में है, तो आप सबका आंसर होगा कि ये हिमाचल प्रदेश राज्य से हो गए हैं।
कर्नाटक से गुलबर्गा चित्रदुर्ग ध्यान रख लीजिएगा, हिमाचल से कांगड़ा नूरपुर हरिपुर सुजानपुर तिहरा, ये किस भारतीय राज्य के प्रमुख फोर्ट हैं? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश राज्य। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, यहाँ से हमारा ऑप्शन जो होगा इस क्वेश्चन का ए सही आंसर होगा, ये एमटीएस के एग्जाम में पूछा गया है। नेक्स्ट है, द जंजीरा फोर्ट इज सिचुएटेड ऑन ए स्मॉल आइलैंड इन द अरबियन सी ऑफ द कोस्ट ऑफ डैश। जंजीरा किला डैश के तट पर अरब सागर में एक छोटे से द्वीप पर स्थित है, गुजरात में, उसके बाद है महाराष्ट्र, केरला और कर्नाटक में। अरब सागर का तट आप सब जब भारतीय मैप को देख के आते हैं तो इस साइड है भैया अरब सागर, अरबियन सी, हिंद महासागर के उत्तर पश्चिम भाग को क्या कहते हैं, ये अरब सागर हो गया है। नीचे पढ़ के आते हो आप लोग, ये हिंद महासागर है। अगर आप एसएससी रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक बार भारत का मैप, ज्यादा नहीं तो हफ्ते में एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। यहां से ऊपर से पढ़ते हो तो राजस्थान है, उसके नीचे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र हो गया है, उसके बाद गोवा है, फिर कर्नाटका हो गया है, नीचे पढ़ के आते हो तो यहाँ पे केरल स्टेट हो गया है, और यहाँ आपका तमिलनाडु है, इधर पुद्दुचेरी भी पढ़ के आते हो, है ना। तो ये भी बहुत आवश्यक है कि आप सबको इस बारे में भी जानकारी हो। अब बात करते हैं जंजीरा का किला, ये हम लोग पहले ही क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं। जंजीरा का किला किस भारतीय राज्य में है? तो महाराष्ट्र में है। अगर आप नंबर दे दें तो जंजीरा का फोर्ट फर्स्ट प्लेस पे हो गया है। इसके साथ साथ मैंने आप सबसे कहा कि आप सब तोरण फोर्ट बहुत ध्यान रखिएगा, तोरण का किला भाई, तोरण फोर्ट जिसको शिवाजी महाराज ने 1646 में 16 वर्ष की उम्र में जो है कैप्चर कर लिया था, जहां पे जन्म होता है शिवाजी महाराज का। तो आप सब शिवनेरी दुर्ग को ध्यान रख सकते हैं, शिवनेरी ध्यान रखोगे, दौलताबाद आप सब महाराष्ट्र से ध्यान रखोगे, दौलताबाद जो पेपर वाले हैं वो यही हैं, इनको याद कर लीजिएगा। और फिफ्थ नंबर पे हो गया है तोरण, शिवनेरी, दौलताबाद, जंजीरा, और एक और कौन सा रह गया जो आप सबको यहाँ से बताया है, पन्हाड़ा दुर्ग, पन्हाड़ा, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। महाराष्ट्र राज्य से आप सबको इनको याद कर लेना है, गुजरात से भुजिया फोर्ट याद कर लीजिएगा, ठीक है, भुजिया फोर्ट, ये भुज गुजरात में हो गया है, महाराष्ट्र के हो गए। केरल का आप सब याद करिएगा, बेकल फोर्ट, बेकल फोर्ट जो है, बेकल किला, बेकल किला किस भारतीय राज्य में है? तो ये बेकल किला केरल राज्य में हो गया है। कर्नाटक से दो अभी पढ़ाए जो पेपर में पूछे जा चुके हैं, गुलबर्गा फोर्ट हो गया है, गुलबर्गा का फोर्ट आप सब याद रखेंगे, दूसरा चित्रदुर्ग का ध्यान रखिएगा, गुलबर्गा और चित्रदुर्ग फोर्ट, ये भारतीय राज्य है, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आंसर ध्यान रखिएगा चारों को, थोड़ा थोड़ा डिटेल में पढ़ते चलिएगा, चीजें याद हो जाएंगी, बेहतर हो जाएंगी। पांच महाराष्ट्र से आप सबको बता दिए हैं, महाराष्ट्र से गुजरात से भुजिया फोर्ट ध्यान रखिएगा, केरल का बेकल फोर्ट जरूर ध्यान रख लीजिएगा, कर्नाटक से गुलबर्ग और चित्रदुर्ग दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, आप सबको आवश्यक है कि इनके बारे में जानकारी हो भाई। द नेक्स्ट वन पे आते हैं हम लोग इसके बाद, द बाराबती फोर्ट इज सिचुएटेड इन द सिटी ऑफ, बाराबती किला किस शहर में स्थित है? गुवाहाटी, कटक, मदुरई और रायपुर। गुवाहाटी भारतीय राज्य असम में है, कटक जहां पे सुभाष चंद्र बोस का जन्म होता है ये भारतीय राज्य उड़ीसा में हो गया है, मदुरई जिसे टेंपल सिटी के नाम से भी जाना जाता है, टेंपल सिटी मंदिरों का शहर, ये भारतीय राज्य है तमिलनाडु में हो गया है। देन रायपुर कैपिटल ऑफ द छत्तीसगढ़, आप सब जानते भी होंगे। देन बाराबती किला किस शहर में स्थित है? तो आंसर करिएगा बाराबती किला जो है ये उड़ीसा के कटक में स्थित हो गया, बाराबती किला उड़ीसा के कटक में, कहाँ पे हो गया, उड़ीसा। महत्वपूर्ण सबसे यही है, आप सब इसको जरूर पढ़िएगा, बाराबती उड़ीसा में। उसके बाद एक आता है राय बनिया, अगर ये आप सबसे पूछा जाए कि राय बनिया जो ये कहाँ पे हो गया है, ये भी उड़ीसा में है, ठीक है। बाराबती और राय बनिया दोनों उड़ीसा से ध्यान रखिएगा। बाराबती किस शहर में है? अगर केवल आपको इतना भी पता है कि भारतीय राज्य उड़ीसा में है, देन कटक बहुत फेमस सिटी है, 23 जनवरी 1897 को सुभाष चंद्र बोस का यहाँ पे जन्म होता है, ठीक है। गुवाहाटी बहुत फेमस है असम का, एक पॉइंट यहाँ से याद कर लीजिएगा, फोर्ट का टॉपिक जरूर पढ़ रहे हैं लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। कामख्या मंदिर, कामख्या टेम्पल कहाँ पे है? असम के गुवाहाटी में है, और यहाँ पे लगता है अंबुबाची का मेला, यहाँ पे अंबुबाची का
मेला लगता है, कामख्या मंदिर में अंबुबाची का मेला लगता है भाई, और इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्व का महाकुंभ भी कहते हैं। तो असम की गुवाहाटी में ये बहुत बहुत फेमस है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं इसके बाद हम लोग। नेक्स्ट है, द अहिल्या फोर्ट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 18th सेंचुरी ऑन द बैंक ऑफ डैस रिवर। अहिल्या किले का निर्माण 18वीं शताब्दी में किस नदी के तट पर किया गया था? तापी, कोशी, गंगा और नर्मदा। तो किस नदी के तट पर अहिल्या फोर्ट? अच्छा, अहिल्याबाई होलकर आप सब जानते भी होंगे, इन्होंने जो है शासन करा था भाई, 18th सेंचुरी में लिखा हुआ ना यहाँ पे, 18वीं शताब्दी में, 1765 से लेके 1796 तक जो है इनका शासन रहा, अहिल्याबाई होलकर। अब ये किला जो है, अहिल्याबाई फोर्ट जो है, ये किस भारतीय राज्य में है? तो आप कहेंगे ये मध्य प्रदेश में हो गया है, अहिल्याबाई होलकर। ठीक है, मध्य प्रदेश का एक फोर्ट आप सब और ध्यान रख सकते हो, रानी दुर्गावती के नाम से, रानी दुर्गावती। एक ओरछा फोर्ट भी आप सब याद रख सकते हैं, ओरछा का किला। एक ग्वालियर, ये तो याद रह ही जाएगा, जगह के नाम के साथ है, ग्वालियर फोर्ट, रानी दुर्गावती, ओरछा और अहिल्या फोर्ट है, ये ध्यान रखेंगे, ये मध्य प्रदेश में है। अब मध्य प्रदेश में धुआंधार बहती है नदी नर्मदा। कौन सी नदी बहती है? धुआंधार, नर्मदा। अब धुआंधार भी एक वॉटरफॉल है, जलप्रपात। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? तो आंसर होगा नर्मदा नदी, मध्य प्रदेश में। ठीक है भाई, नर्मदा की खास बात आप सब याद कर सकते हो, नर्मदा नदी कि ये पश्चिम की ओर बहने वाली जो है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है भारत की, पश्चिम की ओर बहने वाली, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे बड़ी नदी हो गई है। अच्छा, पश्चिम की ओर क्या है? अब दूसरी पॉइंट आप सबको फिर से क्लियर हो रहा होगा, यानी पश्चिम की ओर ये नदी बहती है, इस साइड क्या है? अरब सागर। तो ये नदी कहाँ पे जाकर गिरती है? तो ये अरब सागर में जाकर गिरने वाली नदी है। गंगा इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे लंबी नदी जो है वो गंगा नदी है। चलिए, अहिल्या किला कहाँ पे हो गया है? मध्य प्रदेश में, रानी दुर्गावती, ओरछा और ग्वालियर फोर्ट कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। अहिल्या किला जो हो गया है, अहिल्या फोर्ट, इसका निर्माण 18वीं शताब्दी में करवाया गया और ये किस नदी के तट पर स्थित है? तो आप सब आंसर करेंगे ये नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्ट्स इज लोकेटेड इन तमिलनाडु। निम्नलिखित में से कौन सा किला तमिलनाडु में स्थित है? ये रेलवे के एनटीपीसी जो एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया, नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी, सीबीटी फर्स्ट में। सिकंदरा फोर्ट, आमेर फोर्ट, जैसलमेर फोर्ट और मनोरा फोर्ट। सिकंदरा फोर्ट आप सब जानते हैं, ये आगरा में स्थित है। कहाँ पे सिकंदरा भाई? आगरा में, उत्तर प्रदेश में। आमेर और जैसलमेर ये दोनों ही भारतीय राज्य है, राजस्थान में हो गए हैं, राजस्थान में। आमेर फोर्ट जयपुर में, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो राजा मानसिंह का नाम ध्यान रखेंगे। और ये भैया बहुत सोने की तरह चमकता है, तो इसे गोल्डन फोर्ट के नाम से भी, सोनार किला या गोल्डन फोर्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। एक बचा मनोरा, ये मैंने पहले ही आप सबको बताया था, ये किस भारतीय राज्य में है? तो यही पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा फोर्ट जो है वो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो मनोरा फोर्ट हो गया आपका तमिलनाडु में। इसके साथ मैंने आप सबको दो और बताए थे, एक कौन सा याद रखना है? एक याद रखोगे वेल्लोर फोर्ट, वेल्लोर किला, ये कहाँ पे हो गया आपका? तमिलनाडु में। एक आप सब दूसरा यहां से याद रखोगे वेल्लोर फोर्ट के बाद, जिंजी का किला, जंजीरा नहीं है, क्या ध्यान रखना है? जिंजी किला। जंजीरा कहाँ पे स्थित है? तो जंजीरा भारतीय राज्य महाराष्ट्र में है, जबकि जिंजी का किला जो है ये तमिलनाडु में। जिंजी, वेलोर और मनोरा भारतीय राज्य तमिलनाडु के प्रसिद्ध फोर्ट हो गए हैं, जो सीधे एग्जाम में आप सबसे पूछे जाते हैं, उनको बार बार आप सब यहाँ से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द नाहरगढ़ फोर्ट लोकेटेड। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब और महाराष्ट्र। देखिए भैया, गुजरात राज्य का पहले आप सबसे कहा जो किला आप सबको याद रखना है वो है भुजिया फोर्ट। भुजिया फोर्ट ये कहाँ पे है? गुजरात में। नाहरगढ़ का किला कहाँ है? तो आंसर क्या करिएगा? नाहरगढ़ फोर्ट है सर राजस्थान में। राजस्थान के कुछ फेमस जो हैं, सबसे पहले नंबर पे तो इस क्वेश्चन में ही पूछा गया है नाहरगढ़ फोर्ट, और ये पूछा है SSC GD में।
अगर सेकंड में यहां से देखो तो जो ऑप्शन में मुझे मिला जैसलमेर, राजा जैसल के द्वारा इस किले का निर्माण करवाया गया। तीसरा आप देख सकते हैं जूनागढ़ फोर्ट, जूनागढ़ का किला। एक हो गया आपका लालगढ़ का किला, जिसकी दीवार सबसे लंबी है, कुंभलगढ़ का किला, भारत का सबसे लंबी दीवार वाला कॉन्टिन्यूस वॉल और सेकंड ऑफ वर्ल्ड आफ्टर ग्रेटेस्ट वॉल ऑफ चाइना, कुंभलगढ़ हो गया। चित्तौड़गढ़ का हो गया है, चित्तौड़गढ़ का किला हो गया है, मेहरानगढ़ का किला हो गया है, मेहरानगढ़ का किला। अच्छा, राजस्थान के जो फोर्ट हैं वो आप सबको पता भी होगा, राजस्थान के पहाड़ी किले जो हैं, हिल फोर्ट जो है, वो किसमें शामिल हैं? तो ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल हैं, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ये शामिल है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी इनको शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये राजस्थान में है। पंजाब का एक आप सब याद रख सकते हो दोस्तों यहां से, किला मुबारक है कि नहीं? आप कहोगे बिल्कुल सर, किला मुबारक कहाँ पे है? ये पंजाब के बठिंडा में है। जहां पे क्या खास बात है? तो इसकी खास बात है यहाँ पे अल्तूनिया ने रजिया सुल्तान को कैद कर लिया था, रजिया सुल्तान को जो है कैद कर लिया था किला मुबारक में। रजिया सुल्तान आप सब जानते हैं गुलाम वंश की शासिका हुई है और पहली महिला मुस्लिम शासिका है। इनका मकबरा जो है कहाँ पे है? केथल में स्थित है। महाराष्ट्र के पांच मैंने पहले आप सबसे बता दिए, तोरण का, दौलताबाद का हो गया है, पन्हाड़ा हो गया, शिवनेरी का हो गया है, ठीक है, और एक जंजीरा फोर्ट याद रखिएगा। आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट भी आओ इसके बाद फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉन्यूमेंट्स हैज नॉट बीन नोटिफाइड एज नेशनल जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जीएसआई, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण जीएसआई के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्मारक को राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया है? राष्ट्रीय भू विरासत स्मारक के रूप में अधिसूचित नहीं किया गया, किसे? पिलो लावा इन आयरन और बेल्ट एट नोमिरा उड़ीसा, नोमिरा उड़ीसा स्थित लो एशियाई क्षेत्र में पिलो लावा, ये है बिल्कुल जीएसआई में। पेनिनसुलर निस लालबाग कर्नाटक का, प्रायद्वीपीय निस लालबाग कर्नाटक, ये भी शामिल है। उसके बाद है नागहिल ऑफियोलाइट साइट नियर पुंगरो नागालैंड, पुंगरो नागालैंड के समीप नागा पहाड़ी ऑफियोलाइट स्थल भी शामिल है। जिंजी दुर्ग विलपुरम जिला तमिलनाडु, ये शामिल नहीं है जीएसआई के सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग, तो ये आंसर हो जाएगा। मतलब ये बहुत, मतलब आप यूं कह सकते हैं थोड़ा अलग लेवल से क्वेश्चन था, सीएचएसएल में पूछा गया था 2020 में। पर ये ध्यान रखिएगा जिंजी का किला जो है ये भारतीय राज्य है तमिलनाडु में हो गया है। जिंजी किला किस राज्य में स्थित है? तो आंसर करेंगे ये भारतीय राज्य है तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखो, आमेर फोर्ट वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, आमेर का किला वास्तुकला के बेहतरीन एग्जाम्पल में से एक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है आमेर फोर्ट? ये कहाँ पे हो गया दोस्तों? जी है सर, राजस्थान में। अभी राजस्थान के किले हम लोगों ने पढ़े कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ जो है इसकी खास बात क्या है? लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल के साथ है, जैसलमेर गोल्डन चमक के साथ दिखता है, तो गोल्डन फोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब में आप सबको बताया है किला मुबारक, आप सबको जरूर याद रखना है पंजाब से, तो आमेर का किला राजस्थान में हो गया है। चलिए, राजा मानसिंह ने, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है दिल्ली पुलिस एग्जाम में। द लॉन्गेस्ट कॉन्टिन्यूस वॉल इन इंडिया, द सेकेंड लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड इज एट डैश फोर्ट, भारत की सबसे लंबी निरंतर दीवार जो विश्व की दूसरी सबसे लंबी दीवार है किस किले में है? कुंभलगढ़ फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, मेहरानगढ़ फोर्ट। पहला तो पॉइंट ये भाई, ये तीनों ही जो हैं ये राजस्थान में हो गए हैं, ये तीनों ही किस भारतीय राज्य में है? तो ये राजस्थान में है। जबकि कांगड़ा फोर्ट अगर आप सबसे पूछा जाए तो ये किस भारतीय राज्य में हो गया है? हिमाचल प्रदेश में। कांगड़ा के साथ हिमाचल प्रदेश से क्या ध्यान रखोगे? एक नूरपुर भी आप सबको बताया हिमाचल प्रदेश से, नूरपुर एक हरिपुर से भी याद रखोगे, ये भी कहाँ पे हो गया है? हिमाचल। एक सुजानपुर के साथ भी, सुजानपुर टिहरा, ये भी कहाँ पे है? हिमाचल। अब इन तीनों में से सबसे लॉन्गेस्ट जो कॉन्टिनेंस वॉल है वो किस फोर्ट की है? तो आंसर होगा कुंभलगढ़ फोर्ट की है। राणा कुंभा का नाम तो आप सबने जरूर सुना ही होगा।
चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ इसके बाद फिर। विच फोर्ट अमंगस्ट द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डेजर्ट फोर्ट? विच फोर्ट अमंगस्ट द फॉलोइंग कम्स इन द कैटेगरी ऑफ डेजर्ट फोर्ट? किस निम्नलिखित में से कौन सा किला रेगिस्तानी किले की श्रेणी में आता है? जूनागढ़, मेहरानगढ़, गागरौन और नाहरगढ़, ये फोर्ट हैं किस भारतीय राज्य में? तो आंसर करेंगे हम लोग, ये राजस्थान में हो गए हैं, राजस्थान में। अब इनमें से पूछा हुआ है कि कौन सा जो है आपका किला रेगिस्तानी किले की श्रेणी में आता है, तो ये है जूनागढ़ का फोर्ट, जूनागढ़ फोर्ट। ठीक है, एक जैसलमेर का बताया, एक लालगढ़ का फोर्ट है, एक चित्तौड़गढ़ का है, कुंभलगढ़ का है, कामेर का फोर्ट हो गया। तो भाई ये फोर्ट आप सबको ध्यान रखने हैं राजस्थान के। चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर क्लास, नेक्स्ट पे आओ। विच फोर्ट इन आंध्र प्रदेश वॉज बिल्ट इन द 13th सेंचुरी बाय परोलिया वेमा रेड्डी ऑफ द रेड्डी डायनेस्टी? आंध्र प्रदेश में कौन सा किला 13वीं शताब्दी में रेड्डी राजवंश के प्रोल्या वेमा रेड्डी के द्वारा बनवाया गया था? प्रोल्या वेमा रेड्डी के द्वारा बनाया गया। कोंडापल्ली फोर्ट आंध्र प्रदेश, कोंडाविडु फोर्ट आंध्र प्रदेश, गुटी फोर्ट और विजयनगरम फोर्ट, तो कौन सा फोर्ट बनवाया गया था ये पूछा है भाई, प्रोल्या वेमा रेड्डी के द्वारा। तो कोंडाविडु फोर्ट जो है ये आंध्र प्रदेश में 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। है सभी कहां पे, ये आंध्र प्रदेश से, आप सभी इनको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं फिर, नेक्स्ट देखिएगा। विच फोर्ट इन बिहार इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ए हिल ऑन द साउदर्न बैंक ऑफ द रिवर गंगा एंड वॉज बिल्ट इन द 14th सेंचुरी? बिहार में है पहला, तो बिहार का कौन सा किला गंगा नदी के दक्षिण तट पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 14वीं शताब्दी में बनाया गया किला हो गया है? पहला तो रोहतासगढ़ का किला, ये भी बिहार में है, मुंगेर फोर्ट ये भी बिहार में है, जलालगढ़ का किला ये भी बिहार में है, बट भुजिया फोर्ट जो है ये कहाँ पे स्थित हो गया आपका, तो ये गुजरात में स्थित है। भुजिया फोर्ट कहाँ पे हो गया है, गुजरात में, और बाकी तीनों के तीनों कहाँ पे हैं, ये आपके बिहार में हो गए हैं। तीनों फोर्ट कहाँ से याद रखोगे आप लोग, ये बिहार के फोर्ट है। ठीक है, अब यहां से पूछा कौन सा किला गंगा नदी के दक्षिणी तट पर एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है और 14वीं शताब्दी में इस किले का निर्माण करवाया गया था, यह है मुंगेर फोर्ट, मुंगेर का किला। तो ऑप्शन जो होगा आप सबका यहाँ पे इस क्वेश्चन का भी सही आंसर होगा, मुंगेर फोर्ट याद रखेंगे आप सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद फिर। विच फोर्ट इन छत्तीसगढ़ हैज फोर इंट्रेंसेस नेम्ड सिंह, गणेश, भैरव एंड सेमार द्वार्स? छत्तीसगढ़ के किस किले में सिंह, गणेश, भैरव और सेमर द्वार नामक चार प्रवेश द्वार हैं? रतनपुर फोर्ट, चैतूरगढ़, रानी दुर्गावती और भोरमदेव। तो रानी दुर्गावती तो है ही नहीं, हम लोग पहले ही पढ़ के आए, मध्य प्रदेश में है ना, ओरछा का किला मध्य प्रदेश में, ग्वालियर फोर्ट ये कहाँ पे हो गया आपका मध्य प्रदेश में, अहिल्या फोर्ट जो है ये कहाँ पे हो गया आपका मध्य प्रदेश में। अब यहां से आप सबको बताना है कि किस किले में चार प्रवेश द्वार जिनका नाम सिंह, गणेश, भैरव और सेमर है, ये फोर्ट हो गया आपका रतनपुर फोर्ट, रतनपुर फोर्ट हो गया है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं फिर इसके बाद हम लोग। विच फोर्ट इन इंडिया, सॉरी विच फोर्ट इन हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज नागरकोट फोर्ट एंड इज लोकेटेड ऑन ए फ्लैट माउंटेन रेंज विद द बाणगंगा रिवर बिलो? हिमाचल प्रदेश में कौन सा किला नगरकोट किले के नाम से भी जाना जाता है और नीचे बाणगंगा नदी के साथ एक समतल पर्वत श्रृंखला पर स्थित हो गया है? कांगड़ा फोर्ट, सुजानपुर फोर्ट, हरिपुर फोर्ट और नूरपुर फोर्ट। पहला तो मेरे दोस्तों ये सभी के सभी किले जो हैं ये किस भारतीय राज्य में स्थित हैं, तो आप सब आंसर करेंगे ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित हो गए हैं। और कौन सा किला जो है नगरकोट किले के नाम से जाना जाता है, ये है कांगड़ा किला, कांगड़ा फोर्ट जो है ये नगरकोट किले के नाम से भी जाना जाता है। चलिए ये भैया अब तक के भी पूछे गए और कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन के साथ हम लोगों ने फोर्ट के टॉपिक को यहाँ से कंप्लीट करा। ये कुछ महत्वपूर्ण फोर्ट हैं जो हम सबसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं।
अगर आप तैयारी कर रहे हैं एसएससी के, सीजीएल, सीएचएसएल, सिलेक्शन पोस्ट, सीपीओ के अच्छी खासी वैकेंसीज हैं और रेलवे के एग्जाम की, तो क्लास हो सकती है हेल्पफुल आप सबके लिए। जाते जाते सभी लोग फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।